नमस्कार दोस्तों, देवन विद हरि ओम में आपका हार्दिक स्वागत है। नंदन फ्रेंड्स, करंट अफेयर का ये छठा वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसके जितने भी कंटेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसे नोट डाउन करने का समय नहीं है आपके पास तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। पहला टॉपिक है गगन शक्ति नामक लड़ाकू अभ्यास। भारत चीन सीमा से 230 किलोमीटर दूर चिन्याली सौर शहर में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? चिन्याली सौर शहर। बिल्कुल याद रखिएगा, गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि इसके हर जो है बात जितना मैं बता रहा हूं वो सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो गगन शक्ति है ये क्या है? पहला, ये लड़ाकू अभ्यास है। क्या है? ये लड़ाकू अभ्यास है। और ये कहां हो रहा है? चिन्याली सौर शहर में शुरू हुआ। ये चिन्याली सौर शहर कहां है? तो इसका आंसर है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। कहां है ये? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। गगन शक्ति कई दशकों में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। मतलब ये बहुत दिनों से, मतलब ये कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये युद्धाभ्यास है। और किसका? वायुसेना का। ठीक है, यह 8 अप्रैल से शुरू हुआ और 22 अप्रैल तक चलेगा। कितने चालू हुआ, कितने चलेगा? 8 अप्रैल से शुरू हुआ और 22 अप्रैल तक चलेगा। बिल्कुल आपके दिमाग में रहनी चाहिए ये बात। ठीक है, जेल में बंद मिस्र के फोटो पत्रकार मसूद अबू जैद। क्या नाम है? महमूद अबू जैद। नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, महमूद अबू जैद। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को के मुख्य प्रेस आजादी पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। शाकान के नाम से मशहूर, इनको किस नाम से जाना जाता है? शाकान। ये भी यहां से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसको शाकान के नाम से जाना जाता है? तो महमूद अबू जैद को। ठीक है, शाकान के नाम से मशहूर जैद को अगस्त 2013 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे काहिरा में सुरक्षा बलों और अपदस्थ इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प को कवर कर रहे थे। मतलब वो अपना फोटोग्राफी वाला काम कर रहे थे, उसको न्यूज को कलेक्ट कर रहे थे, उसी समय हुआ। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पुरस्कार दिया गया है, विश्व प्रेस आजादी पुरस्कार किसको दिया गया? महमूद अबू जैद को दिया गया। और इन्हें, इनका जो निक नेम है शौकान, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? मिस्र से। तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, मिस्र के फोटोग्राफर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शाहजहां को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम का दर्जा दे दिया। तो यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर प्री जो है, प्री तो 19 अगस्त को, मेंस अभी लेटेस्ट होने वाला है। बिल्कुल आप रेडी हो जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, शाहजहां को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम का दर्जा दे दिया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस। क्या मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस। दक्षिण पूर्व एशिया के कुल मामलों में 89% अकेले भारत में है। दक्षिण पूर्व एशिया में अकेले भारत में मलेरिया केस कितने हैं? 89% है। 1953 में जो ये मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की भारत में शुरुआत हुई थी। कब हुआ था? 1953 में शुरू हुआ था। देश से मलेरिया उन्मूलन के लिए 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक का टारगेट किया गया? सारे इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट है, आप दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता घुमा फिरा के किसी भी ढंग से। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। कब चालू किया गया? तो 1953 में जो मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जिसे वर्ष 2022 तक दिल्ली से मलेरिया को समाप्त करने का अनुमान है। ठीक है, दिल्ली से कब तक समाप्त करने का अनुमान है? पूरे भारत से 2030 तक, और दिल्ली से 2022 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सारी बातें आप रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। तो ये है WHO की 2013 की रिपोर्ट, बताती है कि दुनिया में भारत चौथा देश है जहां मलेरिया से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। वर्ल्ड का कौन सा नंबर है ये? फोर्थ नंबर है वर्ल्ड में, जहां पे मलेरिया से मरने वाले संख्या सबसे ज्यादा है। कौन से नंबर पे है?
फोर्थ नंबर। अब पहले नंबर पे कौन है, तो अफ्रीकी देश नाइजीरिया। मैप पे भी इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आप देखेंगे अफ्रीका वाला मैप तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, बिल्कुल उत्तर की साइड में, तो आप बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो सारी इसकी रिपोर्ट हो गई, आपको समझ में आ गया पूरा मैटर क्या है इसका। अगर कहीं से प्रश्न घुमा फिरा के जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए दो तीन करके, एक सही है, दो सही, तीन सही, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आईएएस के लिए भी, पीसीएस के लिए कहीं पे भी ये प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आप इसको रेडी रखिएगा, ठीक है। अगला, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद मेघालय तीसरा ऐसा राज्य है जहां से अफस्पा को हटा दिया गया। अभी अफस्पा हटाया जा रहा, बहुत आंदोलन हुआ इसके लिए, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। अफस्पा पे एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, अफस्पा क्या है, तो ये आर्म फोर्स से रिलेटेड है जो है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आईएएस के लिए तो आपको उस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखना ही पड़ेगा। हाँ, सामान्य जो है परीक्षाओं के लिए वैसे देख आपको लेना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या मेन है, इसके कंटेंट क्या है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक वो आपको याद भी नहीं होगा अच्छे से। तो ये है अफस्पा के बारे में, क्या है कि त्रिपुरा और मिजोरम के बाद मेघालय तीसरा राज्य है, मतलब त्रिपुरा से हट गया, मिजोरम से हट गया, और अब मेघालय से भी अफस्पा को हटा दिया गया। तब प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कहां से अफस्पा नहीं हटा है, तो आपको याद होना चाहिए त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से हट गया, और जो चौथा होगा वही से नहीं हटा है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अगला, आगे बढ़ते हैं, भारत पहली बार प्रतिष्ठित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो ना, जिनके जो खास करके जब वो उसे क्या बोला जाता है, खेल जगत से प्रश्न बनाते हैं ना, तो वहां बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, तो ये खेल जगत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला हो सकता है, तो बिल्कुल आप सब रेडी रहिए। भारत पहली बार प्रतिष्ठित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, किसका करेगा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, इसके पहले भारत ने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका ने बुद्ध जयंती पर मानसौर शराब की बिक्री व कैसीनो पर प्रतिबंध लगा दिया है, किस पर, बुद्ध जयंती पर। अब पूछा जाएगा कि अब आपको घुमा फिरा के प्रश्न बनेगा कि मानसौर जो है ये क्या है, तो ये शराब है, ठीक है ना। और अगर कपल पूछ लिया गया मानसौर शराब पे प्रतिबंध लगा दिया गया किस त्योहार पे, तो वो है बुद्ध जयंती, बिल्कुल आप सबके दिमाग में होना चाहिए। श्रीलंका सरकार ने क्या किया, बुद्ध जयंती पर मानसौर शराब की बिक्री व कैसीनो, कौन से खेल पर प्रतिबंध लगा दिया, कैसीनो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आपके दिमाग में होना चाहिए वो देश कौन सा है, तो श्रीलंका है, ठीक है ना। अब शराब वाले मैटर को लेकर के लोग भारत को ठीक कर देंगे, और यहां गलती हो जाएगी, श्रीलंका याद रखना है आपको, बिल्कुल आपके रिवाज से जाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, मशहूर सरोद वादक अमजद अली खां, पार्श्व गायिका आशा भोसले और अभिनेता अनुपम खेर को दीनानाथ मंगेशकर की 76वीं पुण्यतिथि पर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान अवार्ड से नवाजा गया। किसे नवाजा गया, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करिएगा, इस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं, इससे कई बार प्रश्न बन चुका है। सरोद वादक, मशहूर सरोद वादक अमजद अली खां को दिया गया, पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया, और अभिनेता अनुपम खेर को, बिल्कुल याद रखिएगा, अभिनेता अनुपम खेर को भी दिया गया है। क्या दिया गया कि दीनानाथ मंगेशकर की जयंती थी 76वीं, उसी तिथि पर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान अवार्ड दिया गया, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार भी बोला जाता शॉर्ट में, तो वो किसको दिया गया, सरोद वादक अमजद अली खां। अब यहां से प्रश्न बन सकता है, घुमा करके देखिए, सीधा प्रश्न ना करके उल्टा करके पूछ लिया, अभी जब आईएएस का पेपर हुआ ना उसमें कुछ प्रश्न ऐसे ही थे और बड़े दिलचस्प थे, कई लोगों ने कह दिया कि यहां से प्रश्न आए नहीं, लेकिन प्रश्न वहां से थे, उन्होंने उसको सही से सोचा नहीं, तो मैं आपको बताता हूं तरीका कि जैसे कि अब यहां से प्रश्न पूछ लिया, बिल्कुल पूछ लेगा कि अमजद अली खां जो है किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, सरोद से, ऐसा प्रश्न आएगा, अब आपको आ जाना चाहिए, इसीलिए यहां पे लिखा मशहूर सरोद वादक अमजद अली खां, पार्श्व गायिका आशा भोसले और अभिनेता अनुपम खेर को क्या दिया गया, दीनानाथ मंगेशकर जो है अवार्ड दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गुजराती कवि सितांशु
यशवर चंद को अनेक काव्य संग्रह वरवार सॉरी वखार के लिए बिरला फाउंडेशन को वर्ष 2017 के लिए सरस्वती सम्मान। अब आ गया अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे आप मतलब टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। क्या दिया गया, सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उनकी यह कृति 2009 में प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, 2009 में प्रकाशित हुई थी, पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए। अब यह भी पूछा जा सकता कि इसमें कितना पुरस्कार दिया जाता, तो 15 लाख और प्रशस्ति पत्र था प्रतीक चिन्ह दिया जाता, 15 लाख रुपया प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। अगला कंटेंट बढ़ा जाते हैं, इंदु मल्होत्रा को बार से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का पद दिया गया, मतलब डायरेक्ट ये पद पाने वाली जो है पहली महिला होंगी, ये भी बहुत चर्चा में है और एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इंदु मल्होत्रा को, ठीक है ना, को बार से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का पद दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट देखते हैं, लेखक नवनीता सेन, लेखक नवनीता देव सेन, चित्रकार जतिन दास और शास्त्रीय गायक पंडित अमिया रंजन बंदोपाध्याय को डिलीट की उपाधि दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसकी उपाधि दी जाएगी, डिलीट की उपाधि दी जाएगी, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगला है महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया, 1 मई 2018 को। और ये क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया क्योंकि ये यूपी में मनाया गया, कहां मनाया गया, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 2018 को लखनऊ में आयोजित हुआ, बिल्कुल, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कहां मनाया गया, लखनऊ के राजभवन में, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 2018 को लखनऊ के राजभवन में मनाया गया। अब ये प्रश्न पूछ ले कि महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्यों, लोग कहेंगे यार यूपी का पेपर है, राजस्थान का पेपर है, ऐसा प्रश्न है तो ये कहां से आ गया, तो बिल्कुल कहां से आ गया वो मैंने आपको बता दिया क्यों आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लखनऊ में मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 15वां भारतीय प्रवासी दिवस वाराणसी में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा। 15वां भारतीय प्रवासी दिवस वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 को आयोजित किया जाएगा, कब, 21 से 23 जनवरी 2019 को, 21 से 23 जनवरी 2019 को आयोजित किया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस, कहां पर, वाराणसी में, बिल्कुल याद रखना है। इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ करेंगे, अगला भी इंपॉर्टेंट है, कौन करेंगे, मॉरिशस, इसका उद्घाटन कौन करेगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ करेंगे, इसका विषय होगा एक नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, इसका थीम से भी प्रश्न बन सकता है, लगातार ये प्रश्न रहेगा एग्जाम में। और भारत फ्रांस की नौसेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास 1 मई से लेकर 7 मई 2018 के बीच हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप में चला, ठीक है ना, कब से कब तक, 1 मई से 7 मई 2018 के बीच जो है रीयूनियन द्वीप। अब ये द्वीप आपके याद रखना है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये आईएएस के लिए तो समझ लो कि ये पूछ लिया द्वीप किस महासागर में है, सब किसी भी प्रश्न आ सकता है, यूपी पीछे से राजस्थान कहीं पे भी पूछ सकता है कि ये रीयूनियन द्वीप कहां पे है, तो हिंद महासागर में है, बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, कहां पे है ये, हिंद महासागर में है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये नया कंटेंट था, भारत और फ्रांस की बीच नौसेना जो है उसका अभ्यास कहां हुआ है, तो हिंद महासागर में एक द्वीप है रीयूनियन द्वीप, वहीं पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जो है कंटेंट जिसको हमने बता दिया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाइए वीडियोस के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।